हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम अपने फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करते हुए चलना है. सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स. वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लाइट. लाइट किसको कहते हैं, लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइक आपने जूनियर क्लासेस में कई सारे एनर्जीज के फॉर्म पढ़े हैं, ठीक है. लाइक हीट एनर्जी पढ़ी है, साउंड एनर्जी पढ़ी है, उस तरीके से लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है. लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. ओके, सो लाइट क्या होता है बेटा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. क्लियर है, ठीक है. अब सेकेंड चीज, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करता है, दैट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. ओके, सेकेंड थर्ड थिंग, जो लाइट है वो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकता है बेटा, चाहे वो मीडियम एयर हो, वाटर हो, वैक्यूम हो, हर एक मीडियम में लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकता है. लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट शोज ड्यूअल नेचर, ठीक है. लाइट के कौन कौन से दो नेचर होते हैं, फर्स्ट पार्टिकल नेचर, सेकेंड वेव नेचर. ठीक है, तो लाइट का एक होता है पार्टिकल नेचर एंड दूसरा होता है वेव नेचर. क्लियर. सो इसकी जो डिटेल है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, अभी हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें जाननी हैं, जो कि है कि लाइट के दो नेचर होते हैं. लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसको हम फोटोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, फोटोन्स कहते हैं. एक चीज़ और जानिए बेटा, लाइट की जो स्टडी है, ये लाइट से रिलेटेड जो उनके टर्म्स होते हैं या उनके रिलेटेड जो फिनोमिनाज होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़, इन सब की स्टडी जो की जाती है फिजिक्स के जिस ब्रांच में की जाती है, उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है. मतलब लाइट की जो कंप्लीट स्टडी की जाती है वो कौन से ब्रांच में की जाती है, ऑप्टिक्स ब्रांच में की जाती है. क्लियर. अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर. यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, कि लाइट का जो ये रिफ्लेक्शन है वो किसको कहते हैं, किसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इसको समझने के लिए यहाँ आप डायग्राम पे फोकस कीजिए. सपोज मैंने एक मिरर लिया. क्या लिया है मैंने, मिरर. मिरर क्या होता है बेटा, मिरर इज़ अ सिंपली अ ग्लास, ठीक है. सिंपली एक ग्लास होता है जिसके एक साइड में हम क्या कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं विथ ब्लैक पेंट, ठीक है. ये एक प्लेन है, प्लेन मिरर है. जो मिरर के जिस साइड में पॉलिशिंग की जाती है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है. तो ये जो डैश डैश, ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो हमारा जो मिरर है उसका ये वाला जो साइड है, ये साइड क्या है, पॉलिश है, ठीक है. पॉलिश, सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है. इसको नाम दिया मैंने एम एंड एन. सपोज मैंने इसका नाम दिया एम एंड एन, ठीक है. ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है. हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन सेवन्थ क्लास में पढ़ा है, ठीक है. प्लेन मिरर में सपोज यहाँ पे लाइट की रे जो है वो आ रही है, किसी भी सोर्स से लाइट की रे जो है वो आ रही है. तो जो रे सोर्स से आती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कहते हैं. एरो लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एरो की बहुत वैल्यू बेटा. एरो से ही हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो रे है वो आने वाली रे है, ठीक है. जैसे ही वो आएगी और आपके प्लेन से, प्लेन में हमने क्या कर रखा है, प्लेन मिरर में हमने एक साइड क्या कर रखी है, पॉलिशिंग कर रखी है. पॉलिशिंग का मतलब ही क्या है बेटा, पॉलिशिंग सरफेस का मतलब ही है कि हमने क्या कर दिया है, पॉलिश करके उसको ओपेक बना दिया है, ठीक है. ओपेक मीन्स
जहाँ से लाइट पास ना हो, ठीक है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जिस मटेरियल से लाइट पास ना हो, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे आई है, यहाँ ये वाला सरफेस मेरा पॉलिश है, दैट मीन्स ये जो रे है वो आगे नहीं जाएगी, ठीक है, आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑपेक बन चुका है। तो अब ये ऑपेक बन चुका है, लाइट रे इधर नहीं आएगी, तो ये लाइट रे क्या होगी, इससे टकरा के ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। क्लियर? तो ये जो रे अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, तो एरो मैंने कैसा बनाया है, इधर की साइड का बनाया है, ठीक है। यहाँ लाइट रे आ रही थी तो एरो मैंने कैसा इंडिकेट किया था, इस तरीके से इंडिकेट किया था। क्लियर? तो जो रे चली गई, ठीक है, प्लेन से टकरा के जो रे वापस से रिटर्न बैक हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये आने वाली रे, इंसिडेंट रे, किसी भी सोर्स से रे आ रही है प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई, जैसे ही प्लेन मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये रे वापस से अपोजिट साइड में मूव कर गई, रिटर्न हो गई, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ मैं इनके सेंटर में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करूँगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहा जाता है इसको, नॉर्मल, ठीक है। ये जो नॉर्मल है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लाइक प्लेन की परपेंडिकुलर होता है, ठीक, क्लियर। मैंने जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे दो एंगल्स बने, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ठीक है। ये जो फर्स्ट एंगल है, इस एंगल को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो सेकंड एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो किसके बीच में बन रहा है, तो यहाँ देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है जो आ रही थी, और ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ही हमारा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ बनता है बेटा, तो हमेशा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, ठीक है। सेकंड, जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो कहाँ बन रहा है, तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल, बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं, ठीक है। पहला लॉ जो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। जो एंगल आई है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। लाइक अगर ये इंसिडेंट रे जब भी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है रे जो है वो किसी ना किसी एंगल को फॉर्म करके आ रही है, ठीक है। लाइक अगर ये 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल प्लेन से टकरा के जब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी रे वो भी 30 डिग्री के एंगल को फॉर्म्ड करके ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, चाहे वो सरफेस प्लेन हो, चाहे वो सरफेस रफ हो, ठीक है, रफ सरफेस पे भी ये जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल ही होगा। क्लियर? कहीं से भी स्ट्रक हो, किसी भी एंगल से आए, वो एंगल हमेशा सेम रहेगा। सेकेंड, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ये तीनों जो रे हैं ये हमेशा सेम प्लेन पे लाई करती हैं, ठीक है। ये जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, क्लियर है, ठीक है। ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे बेटा। ये सपोज आपने, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे कहीं से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये आई, अब ये पीछे से पॉलिश्ड है तो ये रे जो है वो नीचे पास नहीं हो सकेगी क्योंकि ये सरफेस क्या बन गया, ऑपेक बन गया। तो जैसे स्ट्रक करेगी, स्ट्रक करते ही ये बैक,
ठीक है, मतलब बैक बाउंस हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। और थर्ड जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, जो कि कहलाता है नॉर्मल। तो ये तीनों ही इस सेम प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ आ रहा है, जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन पे आ रहा है, नो। ठीक है, ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये जो दो लॉज हैं ये रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं,